देश का नेता कैसा हो। आपकी बार क्या विचार मंचावर आल्याच्या नंतर तो गांधी हमारा बन गया। नन्हे कदम चलते तेलंगाना को देश का पहला स्थान दिलाने वाले केसीआर तुझको हमारा सलाम। त्यानंतर सर्व प्रतिमाच पूजन केले जाईल। मुख्यमंत्री महोदय, छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या प्रतिमेचं पूजन करणार आहेत। आणि प्रतिमेचं पूजन झाल्याच्या नंतर भारतरत्न ध्वजाचं ध्वजारोहण होणार आहे। भाऊंनो, त्या ऐतिहासिक अशा शिबिरासाठी महाराष्ट्रातील विविध 288 मतदारसंघातून आपण सर्व शेतकरी सर्वांनी उभा राहावं। पार्टीच्या ध्वजाचं ध्वजारोहण होत आहे। सर्व कार्यकर्त्यांनी उभा राहून दीप प्रज्वलन करून सदरील कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात होणार आहे। आपकी बार देश का नेता कैसा हो। जन जन तक लाने वाला भीष्म पितामह वो बुद्धि बल में दीन है वो कृषि में कृष्ण का अग्रज वो हलदारा सर्वांनी शांततेत बसून घ्यावं। ऐतिहासिक अशा या शिबिरासाठी शेतकऱ्यांचा मसिहा आणि त्या आपल्या भारत राष्ट्र समितीचे संस्थापक अध्यक्ष तेलंगणाचे मुख्यमंत्री हे आपल्या तुमच्या शिबिरासाठी मुद्दा म्हणून स्वतः वेळ देऊन आता तुम्हाला सविस्तर असं मार्गदर्शन करणार आहेत आणि ते मार्गदर्शन आपण ऐकून घ्यावं। आदरणीय केसीआर साहेब सीएम साहेब यांना मी विनंती करतो की आपण सर्व शिबिरार्थींना मार्गदर्शन करो। केसीआर साहब तुम आगे बढ़ो।
अंतिम चरण है। चलिए बैठ जाइए। सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य के महान पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूं। बीआरएस पार्टी के किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत के जाने माने लोकप्रिय शेतकरी नेता श्री गुरनाम सिंह चढ़वनी जी, महाराष्ट्र राज्य के बीआरएस के शेतकरी संघ के अध्यक्ष भाई श्री माणिकराव कदम जी, हमारे सीनियर लीडर श्री शंकरन्न धोंडगे जी और छह डिवीजन के महाराष्ट्र राज्य के प्रभारी, हम सबके लिए आदर्श पुरुष। 84 इयर्स में भी हमारे साथ युवा के जैसा काम करने वाले हमारे दशरथ सावंत काका, उनके लिए तालियां जोर से बजना चाहिए। श्री सोमनाथ तोरत जी औरंगाबाद डिवीजन, श्री बीजे देशमुख साहेब पुणे डिवीजन, श्री विजय मोहिते साहेब मुंबई डिवीजन और श्री निखिल देशमुख साहेब अमरावती डिवीजन, और मंच पर उपस्थित माजी आमदार खासदार और वरिष्ठ नेता लोग और महाराष्ट्र राज्य के कोने कोने से पूरे मतदार संघों से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं हमारे महाराष्ट्र भाइयों को और बहनों को बधाई देना चाहता हूं, इसलिए जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं, जिस लक्ष्य को लेकर, महान लक्ष्य को लेकर हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है, आज महाराष्ट्र राज्य को और आप सभी को राष्ट्रीय नेतृत्व करने का एक पहला अवसर आपको मिला है। ये हमारी सफर शुरुआत महाराष्ट्र राज्य से है, ये सिर्फ महाराष्ट्र राज्य के लिए नहीं, ये पूरे भारत को बदलने वाली एक महान लक्ष्य है। बिन बदले भारत विकास नहीं कर सकता, ये बात 75 साल का आजादी के बाद का जो समय है, इन 75 सालों में जो अनुभव हमें मिला है वो हमें सिखाता है। और पूरे दुनिया में भी जहां जहां रूटीन तरीके से उभर के, जिन देशों ने उभर के आउट ऑफ बॉक्स होके काम किया है, वहां बहुत विकास हुआ है। हिमालय के उस पर हमारे से लगा हुआ देश चाइना, हमारे देखते देखते जो हमसे गरीब थे, हमसे कम बजट थे, हमसे कम जीडीपी थे, हमारे आंखों के सामने ही दुनिया का एक प्रबल आर्थिक शक्ति बन गया। ऐसी स्थिति आया कि विदाउट चाइना देर इज नो वर्ल्ड, ऐसी स्थिति आ गई है। जिन देशों को ईस्ट एशियन टाइगर्स कहते हैं, जैसे कि सिंगापुर है, मलेशिया है, साउथ कोरिया है, जापान है, ऐसे कई देश अपने रूटीन तरीका से उभर कर उठकर
कुछ नया रास्ता पकड़ के अपने पीछे का अनुभव का सार लेते हुए जिन्होंने काम किया है वो देश विकसित हुआ है। आपको आसान से समझ में आने के लिए मैं एक बात बोलता हूं। अभी हाल में ही कर्नाटक राज्य का चुनाव आपने देखा है, वहां भाजपा का सरकार हार गया और कांग्रेस का सरकार आ गया, कोई जीता है कोई हारा है, लेकिन क्या बदलने वाला है? कुछ बदलेगा? कुछ बदलने वाला है? कुछ नहीं बदलने वाला। ये तो कथा 75 साल से चलते ही आ रहा है, कोई पार्टी जीतता है कोई नेता जीतता है कोई हारता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। चुनाव में और चुनाव के बाद जनता का जीत होना चाहिए। और ये बात मैं निसंकोच कह सकता हूं, भारत राष्ट्र समिति एक ऐसी शक्ति है जो जनता को जिताने के लिए हम शपथ आज ले रहे हैं। जनता के जो अपेक्षा उनके अनुरूप कार्यक्रम बनाने का पूरे भारत में एक पहला पार्टी है जो भारत राष्ट्र समिति है, जिन्होंने तेलंगाना राज्य में जनता को किसान को जिता के दिखाया है, खाली बातों में नहीं अपने काम से अपने दीक्षा से जिता के दिखाया है। आज किसी को इसमें शक करने की जरूरत नहीं है, निसंकोच आज तेलंगाना मॉडल पूरे भारत में डिमांड हो रहा है। तेलंगाना मॉडल चाहिए हमको पूरे राज्यों में, पूरे भारत में यह नारा गूंज रहा है।